तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब, महेश बाबू का बोलबाला चलता है, उनका राज चलता है साउथ रीजन में, खासकर तेलुगु रीजन में, लेकिन उनकी ऐसी हालत होते नजर आई क्योंकि लंबे समय के बाद उनकी मूवी आई है गंतूर कारम, जिसका कंटेंट भी ठीक ठाक है, ऐसा कोई फाड़ भी नहीं है और ऐसा कोई एवरेजली मतलब दमदार है। जो पब्लिक की तरफ से रिव्यू आए हैं वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल रिव्यू आए हैं, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव दे रहा है, लेकिन बावजूद इसके भाई महेश बाबू का जहां नाम जुड़ जाता है वहां ना धड़ल्ले से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऐसे फाड़ के कलेक्शन करता है। गंतूर कारम मूवी आई है जिसका डे 5 पे ये मूवी आज एंट्री मार चुके हैं, वर्किंग डे चल रहा है, लेकिन जो हॉलीडेज अभी हमें देखने को मिलते हैं सैटरडे संडे, देन कल को पोंगल का हॉलीडे देखने को मिला था, जो बहुत ही ह्यूज एंड मार्वलस फेस्टिवल है जो साउथ रीजन में अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। और इस हॉलीडे में भाई गंतूर कारम यानी महेश बाबू की मूवी कोई कमाल धमाल करते नजर नहीं आई है, क्योंकि सामने अगर अंडर बजट की मूवी हनुमान को ले लें तो भाई सेम कलेक्शन देखने को मिला है महेश बाबू का और हनुमान का, तो दोनों मूवी बराबर कलेक्शन करते नजर आई हैं, लेकिन भाई महेश बाबू से इतना नीचे ग्रोथ चले जाएगी ये एक्सपेक्टेशन नहीं था। तो फिलहाल में उसकी मूवी की कोई इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है, मतलब ग्रोथ एक हिसाब से पिटते नजर आ रही है, जो डे बाई डे भाई स्लो डाउन होती जा रही है, क्योंकि मूवी को अभी 5 दिन ही हुए हैं और 4 से 5 दिन के अंदर ही ग्रोथ नीचे हो जाएगी तो भाई साहब ये बुरी बात है मूवी के लिए, क्योंकि मूवी का बजट बहुत भारी भरकम है। 200 करोड़ के बजट में इस मूवी को बनाया गया है और अभी 115 या फिर 16 करोड़ के आसपास भी ये मूवी स्टैंड करते मुश्किल से नजर आ रही है, और 200 करोड़ ये कवर अप कर लेगी नहीं कर लेगी, क्योंकि सामने भाई क्लैश चल रहे हैं, एक नहीं दो नहीं बहुत सी मूवी के क्लैशेस चल रहे हैं। कैप्टन मिलर कहीं ना कहीं वो भी अच्छे खासे रेस्पॉन्स अपने खाते में ले रही है, ऑक्युपेंसी ले रही है, ग्रोथ ले रही है। दूसरी तरफ मैरी क्रिसमस चल रही है, और भी मूवीज हैं टॉलीवुड की एंड कुछ लोकल रीजन्स की मूवी, लेकिन बॉलीवुड की कोई अभी मूवी आई नहीं है, लेकिन 25 जनवरी को जो बॉलीवुड की मूवी आ जाएगी वो हिंदी में फाड़ के जाएगी। फिलहाल के लिए भाई साहब दूसरी बात की हिंदी में तो गंतूर कारम को रिलीज नहीं भी किया है, बावजूद इसके देखा जाए तो उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं है। भाई सभी चीज़ों पर क्लिक करके बात करेंगे, उससे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। भाई साहब कल पोंगल का हॉलीडे था और कल डे 4 की बात करेंगे, पहले अर्ली एस्टिमेट है कल नेट इंडिया से 14.5 करोड़ के आसपास, जो बिल्कुल एज सिमिलर है हनुमान के कलेक्शन से। जो कल की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी अगर मैं आपको बताऊं फुल डे की, मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून नाइट सभी को मिलाकर 46-48% की ऑक्यूपेंसी रही है, जो बिल्कुल भी भाई अच्छी नहीं है। महेश बाबू जो नाम जुड़ा है और मूवी का जो बजट है 200 करोड़, उसके हिसाब से बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। दूसरा जो डायरेक्टर हैं गंतूर कारम के, भाई साहब वो पहले ही दमदार मूवी दे चुके हैं, त्रिविक्रम श्रीनिवास, जिन्होंने अल्लू अर्जुन के साथ सन ऑफ सत्यमूर्ति दे रखी है, तो वही चीज़ की मूवी का बजट भी बड़ा है, नाम जो स्टार मेन लीड में है महेश बाबू है, देन उसके बाद डायरेक्टर जो त्रिविक्रम श्रीनिवास है, बावजूद इसके जो मामला है बॉक्स ऑफिस के साथ वो जमते नजर नहीं आ रहा है। और कल ग्रॉस कलेक्शन मैं बताऊंगा, कल एंड ऑफ द डे तक आया है 17.5 करोड़, पहले 4 दिन में नेट इंडिया से ये मूवी कल एंड ऑफ द डे तक कर रही थी 83 करोड़ 40 लाख, एंड ग्रॉस इंडियन कलेक्शन 98 करोड़, और पूरी दुनिया से 107 करोड़ 15 लाख का कलेक्शन ये अपने खाते में रखते नजर आ रही है। भाई साहब आज की बात करें, आज डे 5 है, आज तो वर्किंग डे है, और वर्किंग डे में भाई छोटी मोटी मूवी का कोई इतना कुछ बिगड़ता नहीं है, क्योंकि उनके हिसाब से जितनी कलेक्शन आती है, क्योंकि उनका बजट भी छोटा होता है। लाइक हनुमान की बात करें, 15-20 करोड़ के आसपास बजट है और उसको 4-2 करोड़ भी आते हैं, तो उतना कोई उसे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये 200 करोड़ की मूवी है, अगर डबल डिजिट से नीचे इसकी ग्रोथ आ गई वर्किंग डे में ही तो भाई बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मूवी यहाँ से पिटनी शुरू हो जाती है और ये पिटते नजर आ रही है। ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 25% है, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, 25-30% के आसपास। नेट इंडिया से भाई आज अर्ली एस्टिमेट 7 करोड़ के आसपास आते नजर आ रहा है, पहले 5 दिन है, 5वां दिन चल रहा है और डबल डिजिट से नीचे आ चुका है 7 करोड़, ग्रॉस इंडियन कलेक्शन 8.5 करोड़, और पहले 5 दिन में आज ये एंड ऑफ द डे तक करते नजर आ रही है अपने खाते में, टोटल नेट इंडियन कलेक्शन 90 करोड़ 40 लाख और ग्रॉस इंडियन कलेक्शन 106 करोड़ 50 लाख, एंड पूरी दुनिया से ये मूवी एंड ऑफ द डे तक आ रही करते नजर 116 करोड़। तो 200 करोड़ अभी टच करने के लिए भाई थोड़ी सी लंबी जर्नी होगी, क्योंकि वर्किंग डेज में पहला वर्किंग डेज में ही 7 करोड़ में आंकड़ा आ गया, तो कल बुधवार है, बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार में तो और भी ज़्यादा ढह जाती है, तो वहाँ तक क्या 4-5 करोड़ में आ जाएगा, भाई मैं नहीं चाहूँगा, क्योंकि महेश बाबू दमदार एक्टर हैं, 48 की एज में है, बावजूद इसके जो फाड़ के एक्टिंग करी है, जो फाड़ के मूवी लेके आए हैं अच्छी है, ज़बरदस्त है, एवरेजली दमदार मूवी है, लेकिन ऐसी ग्रोथ आएगी ये एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो ये मूवी कितनी ग्रोथ कर जाएगी, क्या 200 करोड़ अपना बजट रिकवरी कर लेगी, क्या ब्लॉकबस्टर हिट का टैग ले पाएगी, 300-400 करोड़ में पहुंच पाएगी, नहीं पहुंच पाएगी, आप लोग बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स पर। बाकी मूवी देख ली तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी जरूर शेयर करके जाना हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।